स्वागत है दोस्तों आपका अभिषेक गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और वेदर बहुत अच्छा हुआ है गोपालगंज का। आसपास के लोग अगर होंगे तो उनको पता होगा बारिश हो रही है आज, मौसम बहुत ही सुहाना है और हम लोग चल रहे हैं थावे वाले रोड पे। और प्रियंका न्यूज सुन के ना, जो गोपालगंज में एयरपोर्ट बनने वाला है, कई दिनों से परेशान थी कि भाई एयरपोर्ट कहाँ, गोपालगंज में एयरपोर्ट बनेगा तो कहाँ बनेगा। हमने कहा ऑलरेडी एयरपोर्ट है, बनना नहीं है, बस उसको थोड़ा सा सही करना है। तो आज हम लोग आज के इस वीडियो में पहुँचने वाले हैं सब्या एयरपोर्ट पे और आपको पूरा एयरपोर्ट का कंडीशन दिखाने वाले हैं और एयरपोर्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। फिलहाल प्रियंका को एयरपोर्ट दिखाना है, गोपालगंज में बहुत सारी चीज़ें इन्हें दिखाना है और इनके बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था, अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, प्रियंका के बारे में भी बहुत कुछ हम लोग बातें करेंगे। कमेंट करके जरूर सर को बोलिए कि सर प्लीज इस वीडियो में बताइए, मुझे लिंक दीजिए मैम के चैनल का, आप जरूर बताइए। बस इतना हिंट दूंगा कि ये भी एक फेमस ब्लॉगर हैं, दिल्ली नेटिव प्लेस इनका गोपालगंज है, दिल्ली में रहती थी, वहाँ से पटना आई, पटना से गोपालगंज पहुँची और अभी कुछ दिनों तक गोपालगंज में रहने वाली हैं। लगातार आप इनको हमारे वीडियो में देखेंगे और फिर इनके चैनल पे भी हम लोग आप सभी को लेकर चलने वाले हैं इनके चैनल पे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, प्रियंका के बारे में भी बहुत कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में और आपको सभी एयरपोर्ट ले चल रहे हैं। फिलहाल की कंडीशन दिखाएंगे कि अभी क्या हाल है सभी एयरपोर्ट का, और तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, चलते हैं सभी एयरपोर्ट इंट्रो में रहेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रनवे पे और आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे आप जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो ये ईटाकरण किया गया था वो बिल्कुल सही सलामत हालात में है। अभी हम लोग रनवे पे पहुँचे हुए हैं सभी एयरपोर्ट के और आपको दिखाएंगे अभी जो पिछले साल हमने वीडियो बनाया था, जो वीडियो में आपने पुराने वीडियो में जो आपने देखा था, सेम वही कंडीशन है, अतिक्रमण वैसे ही है। और अभी बस इसका नोटिस आया है ना कि भाई इसको बनवाया जाए, अभी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। बस प्रियंका का जिद था कि भाई जो एयरपोर्ट का जो मान्यता मिला है उसे हमें दिखाइए, तो हम लोग गोपालगंज से यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक्चुअली मैंने ना बचपन से सुना है, जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से मैंने सुना है इसके बारे में, पर कभी देखा नहीं है। मेरे फादर कभी कभी बोला करते थे कि सभ्या फील्ड में जाना है या फिर इस तरीके से पिकनिक का बहुत अच्छा माहौल। फर्स्ट जनवरी एक दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, जब जो लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक के लिए, तो उस वजह से आज मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा, सपना पूरा क्योंकि मुझे हम लोगों का सपना तब पूरा होगा जब यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बिल्कुल यहाँ से जब टेक ऑफ करेगी हम लोग पहली बार, तब सपना पूरा होगा। काफी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं और काफी होता है ना कि हम लोग जैसे ट्रेवल करते हैं तो कहीं भी हम लोग को लैंड करना होता है, जैसे अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो हमें अगर गोपालगंज जाना है तो गोपालगंज में ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं थी, हमें पटना जाना होता था नहीं तो गोरखपुर जाना होता था। लेकिन अभी इतनी खुशी हो रही है जान के, अभी गोपालगंज में एयरपोर्ट की ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि अभी आपने देखा सिवान और गोपालगंज में फॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा फॉरेन में जॉब करने वाले हमारे सिवान और गोपालगंज के युवा भाई हैं, हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के लोग हैं, तो उन्हें लखनऊ में आना पड़ता था, लखनऊ से या फिर पटना से, और बीच में उनके साथ अगर पैसे रुपए लेके आ रहे हैं तो फ्रॉड भी होता था कई जगह, उनको ये उनके साथ पैसे रुपए की छीना छोरी भी होती तो थी। अभी क्या लगता है आपको कि बहुत इजी हो जाएगा हमारा? इजी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से इतना जल्दी नहीं, अभी तो ये अभी टाइम लगने का देख के तो नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं देखिए, इस पर ज़्यादा काम नहीं करना, अगर कुछ ज़्यादा इस पर नहीं करना है, नए जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाना जैसे कुर्सीनगर में है, नया ज़मीनें लेना, फिर ज़मीन पर वो भराई करके फिर उसका कंस्ट्रक्शन लगता है। लेकिन ये एयरपोर्ट पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, उसको बस थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस का, थोड़ा सा नहीं लेकिन हाँ, नया बनाने से तो इजी है ना। तो और ये जो है ना 527 एकड़ में फैला हुआ है और इसका कोई यूज़ नहीं था, ये इतना लंबा चौड़ा ज़मीन का जो लैंड का मिसयूज हो रहा था, लोग 4-5 गांव बस चुके हैं ना, इस साइड में एक मार्केट भी है एयरपोर्ट के ज़मीन पे, 527 एकड़ का पूरा ज़मीन है और ये पूरा अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। थोड़ा बहुत ज़मीन बचा हुआ है ये रनवे वाला, ये पीछे बिल्डिंग आप देख रहे होंगे ये उस समय का हेडक्वार्टर हो रहा होगा, जो उस समय टिकट काउंटर वगैरह रह रहे होंगे जब उस समय जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती थी, द्वितीय विश्व युद्ध में ये एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो एक क्वेश्चन था आपसे सर कि इतने सालों में किसी ने निरीक्षण नहीं किया, यहाँ पर आके देखा नहीं? एक्चुअली काफ़ी समय से हमारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं और हमारे यहाँ के जो युवा हैं सोशल मीडिया पर लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो दिक्कत ये आ रही थी ना कि ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता था ये प्लॉट्स जो है, ये ज़मीन जो है एयरपोर्ट, और जल्दी से सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले पा रही थी। लेकिन अभी मान्यता इसे मिल चुकी है कि भाई इसे एयरपोर्ट का निर्माण इस पर किया जाए, उसकी बोली लगने वाली है, बाकी आगे सारे प्रोसेस हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अभी ये गुड न्यूज़ हमारे लिए बस ये है कि इसकी मान्यता मिल चुकी है। हम पिछले वीडियो में पूरा दिखाए थे इसके बारे में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देखें। चलते हैं हम आगे, देखते हैं और क्या है कुछ।
बाकी यहाँ का भी ये इस पूरा लंबा चौड़ा एयरपोर्ट का इस्तेमाल लोग गाड़ी सीखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या दूर उधर कपल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको कभी आके बैठते वगैरह हैं इसमें तो। ऐसा है ना कि यहाँ पर थोड़ा वैसा माहौल है, गांव वाला माहौल आ जाता है इस तरीके से ना, तो लोग बाग अपना जो भी है सीखना या फिर फ्री फ्री है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। क्या होता है बेसिकली ऐसे जगह पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो लोग अपना आते हैं, इंजॉय करते हैं और जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है वैसे। तो अभी आप रनवे देख रहे हैं, हम लोग रनवे से अभी अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, फोर व्हीलर से। तो आप अभी देख रहे हैं रनवे है ये, यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली लोग अभी या तो गाड़ी सीखने के लिए आते हैं या फिर ऐसे ही कुछ कुछ करने के लिए, कोई वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे वीडियो शूट करते हुए। ये रनवे है जहाँ हम चल रहे हैं। रनवे कहाँ तक जाता है ये हम देखते हैं। काफी लंबा चौड़ा एरिया है ना, काफी लंबा चौड़ा एरिया है। आस पास अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको खाली जमीनें दिखेगी, बस गाँव थोड़ा बसा हुआ है। अब देखना ये है कि जिस टाइम पे ये कवर होगा, सरकार लेगी, उस टाइम पे गांव वाले को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखेंगे ना, रनवे का जो हालात है ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल थोड़ा सही सा है। वो मिट्टी बैठा हुआ है ना ऊपर नीचे हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा मेंटेन करना है इसको, बीच करके जो एयरपोर्ट का नहीं जो अगर वैसे देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो पहले का जो मतलब अभी काफी पुराना ये रनवे है, उस तरीके से देखा जाए तो काफी अच्छा है, काफी बिल्कुल अच्छा है। और मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो नया एयरपोर्ट बनाते हो उसमें जितने खर्चे आते हैं उससे काफी कम खर्चे इसमें लगने वाले हैं। मिट्टी नहीं डालना है आपको ज्यादा कुछ, उसमें नीचे में लेबलिंग नहीं करना है, इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन करना है इसके ऊपर आप जाएंगे ना। तो चलिए देर से ही हुआ लेकिन अच्छा हुआ ये देर आए दुरुस्त। हाँ, काफी पहले की सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अभी काफी दिनों से हमारे यहाँ के जो नेता है, हमारे जो गोपालगंज के मंत्री हैं जनक राम जी या गोपालगंज के सांसद हैं डॉक्टर अलोक सुमन, ये लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अपने अपने पद का इस्तेमाल इन्होंने किया, जब ये लोग सांसद थे, जब जनक राम जी सांसद थे आवाज उठाया, और फिर जब अभी डॉक्टर अलोक सुमन जी सांसद हैं उन्होंने आवाज उठाया। तो इसमें हमारे यहाँ के लोकल जो नेता हैं, जो युवा हैं, वो कभी कोई कसर नहीं छोड़े हैं इसको मान्यता दिलाने के लिए। रही बात सरकार का, नजर थोड़ा देर से पड़ा इस पे, लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा एयरपोर्ट जो है अब मान्यता मिल चुकी है इसे, अब इसके बनने के लिए तैयार है। तो फिलहाल हमने पूरा वीडियो, पूरा डिटेल एयरपोर्ट का पिछले वीडियो में बताया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा सा प्रियंका को दिखाना था और आप सभी को भी अपडेट देनी थी कि भाई अभी एयरपोर्ट का क्या हाल है। आप देखें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस पेपर पे मान्यता मिली है और सब कुछ सही रहा था, बहुत जल्द इस पे काम शुरू होगा। तो ऐसा जैसे अभी पेपर पे मान्यता मिल गई है, लेकिन मतलब सरकार को ऐसा लगता है बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि सब कुछ अब हो चुका है तो इसमें काम शुरू कर देना चाहिए मुझे। नहीं, अब इतनी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हम लोग को मान्यता मिला है और धीरे धीरे सरकार इस पे काम जरूर शुरू करेगी और बहुत जल्द। अच्छा, ये ऊंचा वाला पार्ट क्या है, एक सेकंड, तालाब है ना उधर, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है या कुछ, उधर तालाब है, पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट का है कि किसी के प्राइवेट है, लेकिन उस साइड में तालाब है, वो बांध है। अच्छा, वो तालाब का बांध है, पहाड़ वगैरह नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, ये 2 सालों पहले मैंने यहाँ का वीडियो दिखाया था आपको, बिल्कुल कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ 2 सालों में, वैसे का वैसा है, अतिक्रमण वैसा है, चेंज बस ये हुआ है कि इस एयरपोर्ट को मान्यता मिल चुकी है। बहुत जल्द यहाँ से हम लोग अगर काम शुरू होता है तो, अगर सब कुछ सही रहा, राजनीतिक अड़चने कुछ नहीं आती है, तो बहुत जल्द हम लोग फ्लाइट देख सकेंगे यहाँ से उड़ान भरते हुए। बस चेंजिंग ये है कि अभी पहले जो जैसा एयरपोर्ट था वैसा ही है, बस मान्यता मिल चुकी है। काम कब से शुरू होता है देखना बस ये है, अगर जब भी काम शुरू होता है तो फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे जैसे ही काम शुरू होगा वहाँ का। फिलहाल आज के वीडियो में प्रियंका थी हमारे साथ, प्रियंका को लगातार गोपालगंज हम लोग घुमा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का ये पूरा वीडियो कमेंट जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार।